फेरबू आपण पाखक जितेन्द्र बर्तमान तृतीय खबर पर राज्य नजर पकेबा कारण जदि तृतीय खबर देखा एथि पय आलोचना करूचे कारण मार्च है नै मार्च मास फेब्रुआरीया जदि शेष होबा को बसलानी 38 डिग्री तापमात्रा हेलानी मार्च एक को 40 डिग्री टपिजिव पारद एक आम कहने पापाग विज्ञानी मैंने कहते कारण बर्तमान स्थित जहाँ देखुचे 38 डिग्री टपिला जेहेतु पारद आग को आहरी बढ़ तापमात्रा और फेब्रुआरी सरनी मार्च एप्रिल मे जून चारिमास आहरी रही चारिमास भितर राज्यवासी संतुलि हे एक निश्चित और अंपटे 40 डिग्री अधिक तापमात्रा टपिव पापाग हिट वेव मार्च मसर अधिक हे एक पापाग विज्ञानी मैंने कहते निरूपम अधिक आलोचना करेंगे आम सहित निरूपमा मार्च मसरे ततेब एवं हिट वेव जारी हो एक पापाग विज्ञान तरफ केन्द्र तरफ कहगला तो बर्तमान आग को केत मात्रा पारद बढ़ 40 डिग्री तो निश्चित टपिव केत मात्रा एवं केतेदिन व्यापी ए ग्रीष्म प्रवाह जारी रही सूचना मिली देखो वर्तमान जदि आम आज कथ कह आज सका जो भाई भाव में खरा रही निश्चिंत पक्षे क्योंना क्योंकि सूचना दूसरी आज दिन तमाम खरा रपम्रा पूर्व भाई 37 रु 38 डिग्री पर्यंत छुईबार आशा रही जहाँ कहला जे फेब्रुआरी 28 तारीख पर्यंत दिन तापम्रा स्वाभाविक ठार् 3 रु 5 डिग्री पर्यंत अधिका रर्थात सर्वाधिक तापम्रा 37 रु 38 डिग्री पर्यंत छुईपे और 28 तारीख पर अर्थात मार्च पहलू तापम्रा स्वाभाविक स्वाभाविक ठारु आहुरी अधिक रु प्रथम कथा कही रखे फेब्रुआरी मासरे स्वाभाविक तापमात्रा आम जब देखा आभ्यंतरीण ओडिशा रे 32 रु 33 रही बेले उपकूल ओडिशा रे आम जब कह 33 रु 34 रहे एणु स्वाभाविक ठारु 3 रु 4 डिग्री 5 डिग्री पर्यंत अधिक रही पारे किंतु आम जब देखा मार्च मासरे स्वाभाविक तापमात्रा 34 रु 35 डिग्री रही था एणु अनुमान करदी यहाँ 4 डिग्री 5 डिग्री अधिक रहे तो निश्चित पक्ष में कौटना क्योंकि तापमात्रा 40 डिग्री छुईबा नहीं एक प्रकार आकलन कर विज्ञान केन्द्र एवं पानीपाग विशेषज्ञ आकलन करुछंती एवं जो कथा कहा जाए जे जेते बेले उपकूल ओडिशा रे 37 डिग्री रु पार करिथाय तापमात्रा सेते बेले याकू सिवियर हीट बा मार्च मास आसिले याकू हीट वेव बा ग्रीष्म प्रवाह स्थिति कहा जाए था तेणु आशा करा जे मार्च मासरु ही चलित वर्ष ग्रीष्म प्रवाह रहिबो एवं एही हीट वेव बा ग्रीष्म प्रवाह कंडीशन बा स्थिति अधिक दिन जारी रहिबो बोली केउना केउटि आकलन करा जाउछि कारण आमे जदि देखिबा पूर्वरु आईएमडी पक्षरु जो पूर्वानुमान करी कहा जाइतला जे चलित वर्ष प्रशांत महासागर रे लाल लीनार स्थिति आमे जदि कहिबा दुर्बल होउछि एवं एलनिनो कंडीशन धीरे धीरे सक्रिय हेबार लागिछि एवं एलनिनो कंडीशन जेतेबेले सक्रिय हुए सेतेबेले हीट वेव बा ग्रीष्म प्रवाह भली स्थिति सृष्टि हुए एवं अधिक आम जब कह खरा हुए एवं आउ गोटे कथा कह बर्षार परिमाण कम होता है अर्थात जून मासरे जो मौसुमी आसे से मौसुमी जदिओ आसिबो किंतु बर्षार परिमाण एत रही ना बर्षा उपर यार प्रभाव पक तो मोटामोटी कथा हूँ खरा अधिक हे और खरा अधिक दिन रण बर्षा दिन में स्वाभाविक मात्रा बर्षा न हुए तेज खरा रपम्रा अधिक रणु चलित बर्ष आम जदि देखा फेब्रुआरी मसर जिते अस्तव्यस्त करिगला खरा यह निश्चिंत पक्षे अधिक दिन रही केउटना केउटि आशा कर आसंता कालीर कथा जदि आम कह 28 तारीख दिन आईएमडी पक्षर मासकर प्रेडिक्शन बा मार्च मासरे किभली रहिबो तापमात्रा केमिति रहिबो गरम ताकू नै मध्य आकलन कर आसंता काली को मध्य अपेक्षा कर रही आईएमडी डीजी जेतेबेले एक प्रेस बिबृति देबे जे मार्च मासरे राज्य में किभली रहिबो हीट वेव कंडीशन जारी हेबो कि आभ्यंतरीण ओडिशा ना उपकूल ओडिशा अधिक जळिबो कारण साधारणतः फेब्रुआरी और मार्च मासरे जो सामुद्रिक पवन प्रवाह वायु चलन प्रवाह गति को नहीं उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा कमी थाए बढ़ी थाए एवं अधिक तापमात्रा उपकूल ओडिशा रे ही प्रभावित करिथाए एवं आभ्यंतरण ओडिशा आम जब देखा मार्च परे अर्थात एप्रिल मे जून समय रे आम देखा पश्चिम ओडिशा बा आभ्यंतरण ओडिशा जहाँ को कहा जाउछि संबलपुर बरगढ़ सोनपुर टिटलागढ़ यही जिला गुड़िक अधिक प्रभावित हुए और तापमात्रा क्रमशः सेठारे वृद्धि होबार लागि थाए किंतु आम जब स्पष्ट करिबा जे मार्च मासर मध्य उपकूल ओडिशा बाती बासी अणायत हेबे अंतसंत हेबे एवं धीरे धीरे केवल खरा गरम नुहे जेतेबेले आद्रता मध्य बढ़िबो गुळुगुळी मध्य अधिक अनुभूत हेबो एवं केउटा केउटि स्पष्ट हो जाउची जे फेब्रुआरी मासरु जेतेबेले एते परिमाण रे खरा अनुभूत होउची आगकु मार्च मासरे मध्य सम परिमाण रे खरा अनुभूत हेबो एहा सांगकु गुळुगुळी मध्य अनुभूत हेबो एवं तापमात्रा केउटा केउटि 41 बैसाखी वर्षा को मध्य राज्यवासी अपेक्षा करैथांती कारण काळ बैसाखी वर्षा हेले हुए तो सामान्य आश्वस्ति मिलि पारे ए खरारु तो सेनी पाणीपाग विभाग कोन सूचना देलेनी
वर्षा आम जो कह पश्चिम अंचल प्रभाव कथा कह जहाँ बर्तमान शीतर अनुपस्थित रही है जहाँ को नहीं शीत चलित बर्ष भल होना आम कहीपर अंपटे काल बैशाखी वर्षा उपते निर्भर कै काल बैशाखी वर्षा केमी रहा तो परवर्त समय से दिन ही जना पड़ता है वायु चलन रो बेग रोच चाप रोच से सब कु नहीं जलवायु आर्द्रता के नहीं काल बैशाखी वर्षा आम कह कि रु तो बर्तमान ठार आकलन करवा जदिओ सामान्य कष्टर किंतु खरा के नहीं गोटे प्रकार स्पष्ट हो सारी पापाग विज्ञान केन्द्र चलित बर्ष खरा अधिक एलनिनो सक्रिय होबार लगी एणु प्रबल खरा सांग को वर्षार परिमाण मौसुमी में कम रहा एणु लंबा समय पर्यंत चलित बर्ष खरा हेबो बोली केउठना केउठी पापाग विज्ञान केन्द्र कहवा पापाग विशेषज्ञ मैंने आकलन कर सारी निश्चिंत पक्षे से आगुआ सतर्क लोक आवश्यक जो रोचे से घर बाहर दिन समय कारण बर्तमान आम देखा दिन दस कि एगार रू जदि कि समय कि घंटापी बर्तमान खरा अनुभूत होती जी दिन बढ़ दिन सकाल नौ घर बाहर एक प्रकार मुस्किल हो पड़ो कारण सूर्य प्रकोप जो भाव में रोच विशेषकर सहरांचल जो स्थित उपजी से चलप्रचल करवा गमनागमन निश्चिंत पक्षे बाधाप्राप्त हो आग को खरा प्रबल होबोली आकलन करणिपाग विशेषज्ञ मैंने आगे खरा प्रबल हो आकलन कर निरुपमा पर अधिक अपडेट नेबू आपंठू बर्तमान टी अटक जेहेतु जहाँ निरुपमा कहले मार्च आरंभ खरा फेब्रुआरी आम देखा आलोचना करुचे खरा तातेला और 38 डिग्री टपिला पारद आग को 41 रु 42 डिग्री टपिब और मार्च 3 तारीख बेलूर 42 डिग्री टपिब पारद पाणीपाग विज्ञानी मत रखुच आसंता का जमापड़ पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जे के मात्रा